व्हाट्सएप की चैट डिलीट फॉर एवरीवन 2 से 3 महीने बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना, व्हाट्सएप चैट 2 से 3 महीने बाद डिलीट फॉर एवरीवन हो सकता है। सो कैसे हैं गाइस, आई होप कि अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो अगर आप लोग वीडियो स्टार्ट करने के पहले सर एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिएगा ऑल पर सेलेक्ट करके। और हाँ, अगर कर लिया है तो थैंक्स। सो लाइक्स कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं किस चीज़ पे? मैक्सिमम 2 टॉपिक्स पर। फर्स्ट टॉपिक्स आपका है कि आपका मैसेज जो कि 2 से 3 महीने बाद डिलीट फॉर एवरीवन कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे होगा। तो जैसे आप लोग किसी से चैट करते हैं और डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो तो 5 मिनट देता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कैसे डिलीट होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मेरे वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, ओके। जैसे मैं बताऊं कि अगर आप कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी दिन हो गया और उसे आप सोचते हो कि ये डिलीट कर देना चाहिए, अच्छा नहीं है या जी हो रही है जिस दैट, तो मैं आपको बताऊं कि करना क्या है। डिलीट फॉर एवरीवन करने से पहले आपको पहले फ्लाइट मोड होना है, ठीक है। फ्लाइट मोड होने पर आप गए, फ्लाइट मोड हुए, फ्लाइट मोड होने के बाद आप जो चैटिंग डिलीट करना चाहते हो जिस टाइम का है, जिस डेट का है, ठीक है। फ्लाइट मोड करने के बाद आप जाओगे, वो डेट सेलेक्ट करोगे और वो टाइम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप को क्या पता बाहर की दुनिया क्या है, समझ में आ रहा है ना। व्हाट्सएप को क्या पता बाहर की दुनिया क्या है। और आप जाओगे, टाइम सेलेक्ट करोगे, टाइम सेलेक्ट करने के बाद आप वो डेट वो सब सिस्टम सेलेक्ट करोगे। फिर जब आपका टाइम वगैरह डेट वो सब फिक्स हो गया, फिर आप जाओ व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में जाओ, ऑनलाइन आओ, डाटा ऑन करो, डाटा ऑन करने के बाद क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आपका डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन आ जाएगा और हो जाएगा मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन, सिंपल। बट इसको आपको थोड़ा फ्लाइट मोड करके आपको टाइम देख करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ट्रिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सो प्लीज़ लाइक्स कॉमेंट्स शेयर करिएगा दोस्त, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि वो उसको भी पता चल जाए। और हाँ, रही बात एक और कि एक चीज़ आपको बता दो दोस्तों कि जैसे होता है ना सिटीज़ में कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ पकड़े जाते हैं, ये टॉपिक नंबर 2, ठीक है। बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स पकड़े जाते हैं होटल्स में, ठीक है, होटल्स में पकड़े जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप अंडर 18 हो, मतलब 18 साल के अंदर हो, तो इलीगल है। अगर आप 18 साल से प्लस हो, 90 प्लस हो, ठीक है, गर्ल्स भी 19 प्लस है और बॉयज़ भी 19 प्लस है, तब आपको गवर्नमेंट क्या ये कोर्ट भी आदेश, हाई कोर्ट भी आदेश देता है कि अगर गर्ल्स और बॉयज़ अगर 18 या 19 से ऊपर हैं तो आपका हक बनता है, आपका मन, मतलब आपका जो मतलब होता है ना कि खुद से आप डिपेंड ले सकते हैं, खुद से जा सकते हैं, उसमें आपको कोई रेख छेद नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ पुलिस वगैरह होती हैं, आपको पैसे के चक्कर में आपको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, जाके आपको डराएंगे, धमकाएंगे कि फैमिली वालों का नंबर दो, मुझे बात कराओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंसाएंगे, झूठे फंसाएंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपना लॉ जानिए, ठीक है, आप अपना सब चीज़ जानिए कि कैसे क्या है। 18 साल के अंदर हो तो आपको वो जो मतलब रूम में गए तो वो इलीगल है, ठीक है। अगर 18 साल से ऊपर हो आप लोग, ठीक है, तो वो लीगल है, लीगली है, ठीक है, इलीगल नहीं है। अगर आपसे कोई भी पुलिस वाला गया, आपको कुछ भी बोल रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको 3-5 करा, तुरंत वीडियो बनाओ, तुरंत उसको वीडियो बनाओ, उसकी साले के औकात हाथ में आ जाएगी, ठीक है। सो टेक केयर, ध्यान देना, और हाँ, कोशिश करूँगा कि ऐसा काम मत करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।